भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। 2014 से पहले उन कुरीतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा सफर करना पड़ रहा था। लोग इस बात को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा भी बड़ी गति से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हरियाणा में चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, हरियाणा के हर जिले को चाहे 4 लेनिंग ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात हो, हरियाणा के अंदर चाहे किसानों की मजबूती के लिए, चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए का अधिकार देने की बात हो, चाहे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बना करके देने की बात हो, चाहे 9.5 करोड़ माताओं बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, और चाहे 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में उनको जनधन खाते खोल करके बैंक में जाने का अधिकार दिया हो, हर गरीब का मजबूती से सम्मान पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज हर व्यक्ति मोदी जी के साथ को प्रेम करता है, उनकी नीतियों को प्रेम करता है और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा 10 की 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल जो हमारी संस्कृति में शुभ माने जाते हैं, 11 कमल के फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत और ताकत देने का काम हरियाणा करेगा, जिससे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है और उस रुतबे को और रुतबा भारत का पूरी दुनिया में बढ़े, हरियाणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिला करके उनको मजबूत करने का काम करेगा। सीएम साहब, क्या कुछ अधिकारी आप लोगों का चुनाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी ने भी एक मंच से कहा कि अधिकारी सुधर जाए, नहीं तो 5 जून के बाद दिन हमारा है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई शिकायत लोगों की आती है, ये बात हमने पहले भी कही है, कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख तक लगा हुआ था, क्योंकि जवाबदेही सरकार की जनता की है और जनता को अगर कोई समस्या आती है तो वो अधिकारी कहीं ना कहीं उस बात को सुनिश्चित करे कि यहाँ पर ये दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, उस दिक्कत का समाधान करे और मिलकर के, क्योंकि शासन और प्रशासन विकास को एक नई गति देता है। शासन और प्रशासन मिलकर के लोगों को अगर समस्या आती उसका समाधान अधिकारी करेगा, अगर किसी की गलती होगी तो वो बताएगा, भुगतेगा भी वो बताएगा। कांग्रेस की क्या हालत देख रहे हैं? छठे चरण का चुनाव चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 200 से चिमट जाएगी, क्या जवाब? देखिए, वो खुश हो जाते हैं। पिछली बार भी जब 2019 का चुनाव था, हरियाणा में कांग्रेस के नेता बोलते थे कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, परंतु हरियाणा के लोगों ने उनको जो उनका कार्य था उसके अनुरूप उनको रिजल्ट दिया है। और अब की बार भी हरियाणा के लोग समझ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है।
दस की दस लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल। अब की बात दिल्ली में बना रहा कि संविधान को लेकर राहुल गांधी है, विपक्ष है, ये बोलता रहा कि संविधान चेंज कर देंगे जब अगर सरकार आई। देखिए, इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के परिवार का, राहुल गांधी का 60 वर्ष तक देश के ऊपर शासन रहा है। 60 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं देश को बताने चाहिए। हमारी डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं हम बड़े गर्व के साथ लोगों को बताने का, जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। परंतु वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो बताएं जनता को। जनता के बीच में झूठ फसोरने का काम आजकल राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने झूठ की दुकान खोल रखी है, कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने यह भी बोल दिया कि हमारी सरकार हमें वोट दो, गरीब के खाते के अंदर हम खटाखट 1-1 लाख रुपए पहुंचा देंगे। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है, देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का है, ये कहां से दे देगा? इसको बताना चाहिए इसकी नीति क्या है, इसकी नीयत क्या है, इसको बताना चाहिए। इसका नीयत भी ठीक नहीं है। ये वोट जिहाद को लेकर के, वोट को झूठ बोल करके लेना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आज लंबे समय तक जब ये लोग देश के लोगों का शोषण करते रहे, अब इनका झूठ भी नहीं बिक रहा, अब ये झूठ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनका झूठ भी नहीं बिक रहा। लोग समझ चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं फिर शोषण करते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास आज देश कर रहा है, आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हरियाणा विश्वास कर रहा है। और मैं सभी से पुनः अपील करूंगा कि आप घर से बाहर निकल करके इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर हिस्सा लें और देश को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें। गरीबी से मुक्त भारत हो, ये विकासशील भारत हो, आतंकवाद से फ्री ये भारत हो, उसके लिए हम घर से आकर के वोट दें ताकि राष्ट्र दुनिया में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा रुतबा सम्मान बढ़ा है और ये सम्मान रुतबा और बड़े, ऐसा मैं लोगों से पूछते हैं। सीएम साहब पीएम के खिलाफ बोलते हैं कि वो मुझे मार देंगे, यार जान का खतरा है उनको। देखिए, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं है, मैंने कहा कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जितने भी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, अगर आप इनको देखेंगे, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है, कोई भ्रष्टाचार को लेकर के जेल में गया है, कोई जेल से बाहर आया है, कोई जेल के अंदर जाने वाला है, एक भी व्यक्ति इनके अंदर ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के अंदर और संलिप्त ना हो। हर व्यक्ति जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, और इनका ध्येय इस देश का विकास करना नहीं है, इनका ध्येय इस देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचाना नहीं है। घमंडिया गठबंधन के लोगों का एक ही ध्येय है, वो वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए वोट मांगते हैं कि हमने इस देश को बचाना है। जब भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी जी जब चूड़ी को टाइट करते हैं, कहीं ना कहीं इन सब लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, इनका पेट खराब होना। सर उंगली दिखाना, उंगली दिखाना सर, अपनी वोट वाली थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा उंगली दिखा, अब आपको पीछे शॉट ले लो यार, कैमरा लगे आंदो शियाल आ साइड में, होना साइड में हो गया, हो गया एक मिनट, साइड साइड में उस दौरान उन्होंने अपनी उंगली भी दिखाई जिस पर वोट करने का जो निशान लगाया जाता है। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। सीएम नायब सैनी ने अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये दावा किया कि 11 कमल के फूल खिलेंगे और पीएम मोदी के पास पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं और जिस तरह से हर क्षेत्र में पीएम के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है,